माँ, उपवास के खाने में क्या क्या बनता है मुझे नहीं पता। तो पहले क्यों नहीं पूछा कि माँ क्या बनाते हैं शगार के खाने में? हाँ, पहली बार बना रही हो ना, तो तुम पूरियां तल लो, आलू की सब्जी और दूध और शक्कर में साबुदाने की खीर, बस। लेकिन बेटा ध्यान रखना कि सब कुछ अछूता हो, मतलब जो भी इस्तेमाल करो नया पैकेट, तेल घी शक्कर वो सब लेना। हाँ, हम जो रोज रसोई में इस्तेमाल करते हैं वो मत लेना। ठीक है, थैंक गॉड माँ, आपने मुझे सब बता दिया, वरना सब गड़बड़ हो जाती। ऐसे ही तो सीखते हैं। जब मैं ब्याह के आई थी ना, मैं भी कुछ नहीं जानती थी, भाभी माँ ने मुझे सिखाया। कई बार बहुत सख्ती से पेश आती हूँ ना बेटा, मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरी बहू से कुछ कहे, तुम में कोई खोट निकालेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। पर माँ, काश मैं पास हो जाती। लो फिर वही बात, अब इम्तिहान के बारे में सोचना बंद कर बस। हाँ, खाना बनाना है ना? रश्मि का है। भाभी आप पास हो गई। अच्छा? हाँ भाभी, एक्चुअली मेरी मिस्टेक थी, मैंने सिर्फ फर्स्ट डिविजन के लिए देखी थी। आपको 56% मिला है। सच? तुमने ठीक से तो देखा ना रश्मि? हाँ हाँ, बिल्कुल अच्छे से देखा है। कांग्रेस भाभी। माँ, मैं पास हो गई। आज मुझे समझ में आ गया है मेरे देवर जी मुझसे क्या कहना चाह रहे थे। पोते की इच्छा तो हर सास को होती है, क्यों सुलेखा बहन? जी बिल्कुल। लेकिन बेटा, मेरी वजह से कभी किसी दबाव में मत आना, कभी भी। अच्छा नहीं लगेगा तुझे कभी भी किसी फैसले के लिए मजबूर नहीं करना चाहती हूँ। अरे, जब हमारी सास ने आज तक हम पर किसी बात का दबाव नहीं डाला तो हम कैसे डाल सकते हैं? ये गलत है दीदी। हमें भी मजबूर किया गया था। बहू पर जो दबाव होता है वो अनकहा होता है, उससे जो उम्मीद होती है उस पर बोझ बन जाती है। उससे अपेक्षाएं उसकी जिंदगी को तोड़ के रख देती है। हमने भी बहू होने का फर्ज निभाया है,
हम पर भी किसी की इच्छाएं थोपी गई है। किसने तुझ पर दबाव डाला है और किस बात का दबाव डाला है? हाँ छुट्टी बोलना। छोटी छोटी रुक तो, छोटी मेरी बात तो सुन, छोटी छोटी क्यों कही तुमने ऐसी बात? हाँ तू ऐसे दोष नहीं दे सकती। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहती हूँ दीदी। फिर क्या बात है बोल छोटी, क्या बात है? तुम्हारी सास हूं, अपनी बहू को नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? विश्वास रख बेटा, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। जल्दी परेशान हो जाती है मेरी बहू। हाँ शिकार के खाने में और क्या क्या डलता है और तड़के में क्या दूं? जीरा तो बिल्कुल मत डालना, और हम जो रोज नमक इस्तेमाल करते हैं ना वो मत करना, सेंधा नमक ही लेना। बाकी मसाले डाल सकती हो, काली मिर्च, ऊपर से हरा धनिया मिर्च। ठीक है मैं आलू चढ़ा देती हूँ। तुमने व्रत का खाना तो खाया होगा, स्वाद याद है ना? बस वही अंदाजा रखना। और बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं जानती हूँ बहुत अच्छा खाना बनाएगी। अब मैं चलूं, नवरात्रों का पहला दिन है ना, भाभी माँ के साथ मंदिर जाना है। मैं जाऊं? माँ आप, आज मुझे समझ में आया कि सब लोग सास को माँ का दर्जा क्यों देते हैं। सचमुच हमारी माँ की तरह ही रहे? नहीं रही दीदी, नहीं। याद है ना आपको, जब मैंने अपना पहला बच्चा खो दिया है माँ की वजह से। छोटी। हाँ दीदी। हम उसे रोक सकते थे, माँ सब जानती थी। माँ जानती थी कि वो बच्चा रखना आसान नहीं है, उसकी जान को खतरा है। डॉक्टर ने भी साफ कह दिया था कि बच्चे को ना रखे। फिर भी ये जानकर भी तूने इतनी बड़ी गलती की? माँ नहीं मानी, सब जानते हुए भी बाबूजी के लिए उन्होंने मेरी ना सोची।
मैं बाबूजी को नाराज नहीं करना चाहती थी। उस वक्त मैं नई बहू थी, सास ससुर की खुशी के आगे अपने लिए सोचना मेरे लिए पाप था। आज मैं पूछना चाहती हूँ माँ से, अगर मेरी जगह उनकी अपनी बेटी होती तो क्या वो क्या उसे ऐसे ही मजबूर करती? एक बहू होने के नाते हम सास ससुर को खुश देखना चाहते हैं, उसमें एक बहू की इच्छा होती, इसे कर्तव्य का नाम क्यों दिया जाता है? ताकि हम उनकी सब बात मान लें, किसी भी कीमत पर। क्यों दीदी बोलिए, बोलिए ना। मुझे बहुत टेंशन हो रही है रश्मि, इतनी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पिताजी ने पहली बार मुझ पर भरोसा दिखाया है कि वो मेरे हाथ का खाना खाएंगे, सब टाइम से हो जाए। इतना टेंशन है कि आप मेरा रिजल्ट तो पूछना ही भूल गई। ओह गॉड, सच रश्मि, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। बताओ ना कितने मार्क्स मिले तुम्हें, क्या हुआ? फर्स्ट डिवीजन। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। इस बात के लिए तो एक सेकेंड। थोड़ा सा मीठा कर। बहुत अच्छा रिजल्ट है तुम्हारा। ओ, आज ये सब खाना बना है? क्यों? सच बताऊं भाभी, मुझे उपवास का खाना बहुत फीका लगता है। तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना देती हूँ। नो वे भाभी, अब दद्दा जी को नहीं जानते हैं, वो बहुत नाराज हो जाएंगे, और वैसे भी उन्हें तो एक ही तरह का खाना पसंद है। अच्छा सुनो रश्मि, नैतिक को मत बताना मेरे रिजल्ट के बारे में, मैं उनसे खुद कहूंगी। ओ ठीक है, नहीं बताऊंगी। पर भाभी, अगर मैंने आपके लिए इतना किया तो आप मेरे लिए क्या करेंगी? वो तो तुम्हें बाद में पता चलेगा। ओके। हो सकता है मेरा ही दोष हो, मुझे नहीं पता था कि बच्चे की जिंदगी को इतना बड़ा खतरा है। मुझे लगा कि होगी कोई मुश्किल जो सावधानी बरतने से संभल जाएगी। और यही बात मैंने सुनैना से भी कही थी, पर सब बिगड़ गया। उस समय मामले की गंभीरता को मैं समझ ही नहीं सकी। अपने दिल पे हाथ रख के कहो सिटानी, गंभीरता को समझी नहीं थी या समझना नहीं चाहा था? मैं तुम्हारी जिंदगी का वो आईना हूं जिसमें झांक कर तुम अपने मन को पढ़ सकती हो। गोपी, तो ये कहना चाह रही है कि मैंने? सेठानी, तुमने अपने मन में एक भरम तान रखा था जिसके पर्दे पे तुमने जो देखना चाहा वही देखा, दूसरों को अनदेखा कर दिया। मैं डर गई थी गोपी, तेरे सेठ सरकार
ओमी के बच्चे को देखने की आस में जी रहे थे। उनकी जिंदगी की डोर इसी आस में टिकी थी। मैं कैसे तोड़ देती? बाबूजी के बचने की उम्मीद कम थी। ऐसे में उनके मन में इच्छा थी कि वो हमारे बच्चे को देखे। माँ ने भी सच्चाई से मुंह मोड़ लिया। उन्होंने ये सोचा कि एक बच्चे के उम्मीद के सहारे शायद बाऊजी कुछ और दिन जी जाए। माँ ने अपने सुहाग की दुहाई देकर विनती की थी। इसके बदले में हमने सब खो दिया। ऐसा मत कह छोटे। आपकी देवर जी ने बार बार समझाया, सबको खुश रखने की कोशिश मत करना, तुम नहीं कर पाओगे। पर मैंने उनकी एक नहीं सुनी। ना वो बच्चा रहा, ना पति का प्यार मिला। अंशु है ना हमारे पास, भगवान ने उस बच्चे को दोबारा तेरी गोद में भेज दिया, अंशु के रूप में। क्यों सोचती है तू ऐसा? सब ठीक है। नहीं दीदी, अंशु मुझे मेरे पति का स्नेह नहीं लौटा सका, और अंशु को भी क्या मिला? जब हम दोनों के मन ही अलग हो गए तो उसे हमारा स्नेह टुकड़ों में ही मिलता है। बहू प्रसाद ले लो। सब तैयारी हो गई? देखा छुट्टी डिनर कितना सब कुछ बनाया है। पर बेटा शुद्धता का ख्याल रखे हो ना। जी भाभी माँ, एकदम अछूता है। अन्न को हाथ भी नहीं लगाया है। साबुदाने की खीर है, पूड़ियाँ और आलू की सब्जी। ना मैंने किसी में जीरा डाला है और ना ही धनिया की पत्ती। सब हमारे घर के विधि से किया है बहू ने। अब देखा था कि दादाजी कैसा लगा था। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।